अस्सलाम वालेकुम। आज जो गाड़ियां हमारे पास शोरूम पे मौजूद हैं, इट्स टोयोटा फॉर्च्यूनर 2.7 पेट्रोल ऑन द लेफ्ट साइड, इट्स अ टोयोटा फॉर्च्यूनर 2.8 टीआरडी एडिशन। आज की वीडियो में इन दोनों का कंपैरिजन रिव्यू करेंगे और आपको बताया जाएगा कि 2700 पेट्रोल और 2800 जो डीजल है, इनके अंदर फर्क क्या है और इनके रेट क्या चल रहे हैं और इन गाड़ियों का मजा क्या है। स्टार्टिंग करते हैं अगर हम 2.7 पेट्रोल फॉर्च्यूनर के साथ, इसकी फ्रंट जोन से आपको यहाँ पे लोगो ग्रिल मिलती है, इट्स कम्स इन क्रोम और द वाइल ऑन अदर हैंड द टीआरडी फ्रंट ग्रिल कम्स इन अ पियानो ब्लैक फिनिश। और अगर हम इसकी साइड्स के बारे में बात करते हैं तो आपको फॉर्च्यूनर के साथ कंप्लीट एक साइड में ब्लैक रबर फर्निश प्लास्टिक नजर आता है और ब्लैक लोगो फॉर्च्यूनर भी आपको यहाँ पे क्रोम प्लेटेड नजर आएगा। मैं इस टाइम जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये है 2017 पेट्रोल इंजन टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो इसके इंटीरियर की अगर मैं बात करता रहा हूँ, अगर मैं फोकस करता हूँ गाड़ी के स्टेयरिंग के ऊपर, तो स्टेयरिंग व्हील्स में आपको इसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको इसका साउंड, इसके जो प्लेयर है उसके आपको ऑप्शंस इसकी मिल जाएंगी। उसके बाद जो सा इसका स्पीडोमीटर है जिसमें इसका इंफॉर्मेशन जो आपके पास यहाँ पे जो आ जाता है आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले, उस चीज़ को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप अगर वहाँ पे थोड़ा इसको जूम करेंगे आपको नजर आएगा कि वहाँ पे वो सब चीज़ें आपको वो चेंज वहाँ पर आना शुरू स्टार्टिंग हो जाएगी। जैसे कि अब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ इस बटन के ऊपर तो वो आपको ऑप्शन चेंज करना शुरू कर देगा कि आपकी रिमेनिंग एवरेज कितनी रहती है गाड़ी की और आपकी रेंज कितनी रहती है गाड़ी की और आपकी इको इसके ऊपर कितना आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसके मिल जाएंगे स्विचेस मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी फ़ोन को अटेंड कर सकते हैं और इसका म्यूज़िक इंजॉय कर सकते हैं। और इस साइड पर आपको यहाँ पर इसका क्रूज सोनी का बटन मिल जाएगा जिसके ऊपर आप क्रूज कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि 2017 में आपको भी यहाँ पर 4x4 की ऑप्शन मिलती है जो कि 2018 में टोयोटा ने ख़त्म कर दी थी और इसको चाबी से की से इसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया था पुश स्टार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आपको 4x4 के ऑप्शन मिल जाएंगे H2 और H4 और L4 गियर्स और यहाँ पे आपको इसका डिफ्लॉक मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 7-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगी मैनुअल गियर शिफ्टिंग के साथ। बैक सीट के ऊपर मौजूद हूँ तो आपको मैं सीट के बारे में कुछ बात करना चाहूँ। इट्स रियली कंफर्टेबल और इसमें एक जो चीज़ एक बहुत अच्छी लगी कि सीट आपकी एडजस्टेबल, आप इसको रिक्लाइन भी हो सकती है आगे पीछे और आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर आपको मैं थोड़ा जूम करता दिखाऊँ कैमरे के साथ बैक सीट के ऑप्शन के साथ बारे में, तो आपको यहाँ पर ड्यूल एसी मिल जाता है गाड़ी का और यहाँ पे आपको इसके एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि आप इसकी एयर को कंट्रोल कर सकते हैं। और पीछे आपको यहाँ पे फोन सॉकेट्स मिल जाती हैं 12 वोल्ट की और नीचे आपके यहाँ पे 100 वोल्ट का स्विच मिल जाता है जिसमें आप अपना लैपटॉप या अपने फ़ोन चार्जिंग को चार्ज कर सकते हैं। इस गाड़ी के इंटीरियर में बात करूँ तो आपको इस 2017 से लेकर अवर्ड जो सब फॉर्च्यूनर आ रहे हैं आपको इनके अंदर ऑरेंज इंटीरियर मिलता है और इट्स अ 7-seater SUV वैन। जैसे कि पिछली सीटें इसमें हमने फोल्ड की हुई हैं तो आप इसमें 7-seater का इंजॉय कर सकते हैं। गाड़ी के डैशबोर्ड के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड मिलता है विद अ ब्लैक एंड ऑरेंज इंटीरियर और इसके अंदर आपको सेंटर वाले कंसोल में आपको यहाँ पे ऑरेंज इंटीरियर की फिनिश मिल जाती है इसके साइड्स के ऊपर और सेंटर में आपको एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं, मल्टीमीडिया पैनल मिल जाता है और नीचे आपको 4x4 के कंट्रोल और एक ब्यूटीफुल डैशबोर्ड मिलता है जिसमें एक एज ये दिया गया कि कंपनी ने इसके अंदर आपको कूल बॉक्स की ऑप्शन दी गई है जो कि एसी वेंट में से एयर कूल बॉक्स के अंदर शिफ्ट की जाती है। और एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं और शेयर करना चाहूँगा कि फॉर्च्यूनर में आपको ड्राइवर साइड की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है कि आप इलेक्ट्रिकली इसको सीट को अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं और इसमें आपको 160 हॉर्स पावर एंड 245 टॉर्क का 2.7 ड्यूल VVT-i टेक्नोलॉजी इंजन मिलता है। सो फाइनली दोस्तों, जो ये वाला सेगमेंट आपने देखा है इसमें हमने आपसे शेयर की इन्फॉर्मेशन सारी इस फॉर्च्यूनर की जो कि 2.7 ड्यूल VVT-i टेक्नोलॉजी के साथ टोयोटा ने मार्केट के अंदर मुतारिफ करवाया। अब मैं जाना चाहूँगा, आपको शो करवाना चाहूँगा 2018 TRD स्पोर्टियो के अब टोयोटा 2020 के अंदर अपने सार्फिन को TRD के नाम पर क्या चीज़ें ऑफर कर रही है और 2020 के फॉर्च्यूनर में किस चीज़ों का चेंज की गई है जो कि आपको 2000 आपको मैं आज इस गाड़ी की 360 लुक देता हूँ। तो फ्रंट ग्रिल जैसे कि उसमें आपको क्रोम मिलता है, इसके अंदर आपको पियानो ब्लैक की फिनिश मिलती है और फ्रंट के ऊपर आपको यहाँ पर TRD का लोगो नज़र आ जाता है। गाड़ियों की दोनों फ्रंट लाइट सेम है जिसके अंदर बाई बीम LEDs हैं जो कि आपको LEDs रेस के साथ लाइट को रेस को प्रोड्यूस करती हैं। साइड स्कर्ट्स के ऊपर आपके यहाँ पर TRD स्पोर्टियो का स्टिकर मिलता है जो कि इसकी ब्रांडिंग है टोयोटा रेसिंग डेवलपमेंट की। व्हील साइज सेम है लेकिन आपको इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स डिफरेंट मिलेंगे, इसके अंदर आपको TRD का बैच नज़र आ जाएगा। और एक्सटीरियर के अंदर आपको बैक जो सब इसका बम्पर है वहाँ पर आपको TRD की स्टिकर मिलेगा जिसके अंदर ब्रांडिंग की गई है। 2.8 का आपके यहाँ पर डीजल यहाँ पे लोगो नज़र आता है। फ्रंट जो बैक ग्रिल है फॉर्च्यूनर की वो भी क्रोम मिलती है एज इट द सेम इन अ 2.7 पेट्रोल फॉर्च्यूनर। उसके बाद यहाँ पे TRD
स्पोर्टियो की ब्रांडिंग और नीचे ईफॉस सिग्मा का आपको ब्रांडिंग नजर आ जाती है। और दूसरी साइड के ऊपर भी आपको जो डोर हैंडल्स हैं यहाँ पे आपको क्रोम के मिलते हैं, और एज इट ही आपको यही क्रोम हैंडल 2017-18 और सिंपल फॉर्च्यून में भी नज़र आएंगे। तो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो इसके जो साइड मिरर्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट मिलेंगे, और एज इट ही है जब आप गाड़ी लॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे। और यही ऑप्शन आपको 2017-18 और सिंपल फॉर्च्यूनर में भी मिल जाती है। तो गाइस अब इस टाइम मैं फाइनली आके बैठा हूँ 2.8 TRD फॉर्च्यूनर के अंदर। ये मोस्ट अवेटेड फॉर्च्यूनर है पाकिस्तान हिस्ट्री में, और इस गाड़ी के ऊपर जब लोगों ने परचेज किया तो उस पर ऑन भी पे किया 10 लाख 9 लाख 8 लाख, और ये एक आइडियल SUV थी पाकिस्तान हिस्ट्री में। आज इसका जो आपको मैं डिटेल शेयर करूँगा इंटीरियर के बारे में, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे चेंजेस हैं जो कि आपको 2.7 पेट्रोल या जो जो फॉर्च्यूनर बेसिक आता है वो आपको नहीं नज़र आते। अब मैं अगर आपको सबसे पहले शुरू करता जाऊँ इसके आपको ऑप्शंस के बारे में, जो कि इसकी बेसिक्स ऑप्शन है जो कि आपको इसके अंदर चेंज नज़र आएंगी, वो तो फर्स्ट थिंग इज़ पुश स्टार्ट। आपको ये गाड़ी में पुश स्टार्ट मिलेगा, आपको इसके अंदर ऑटो ट्रंक का हावर का स्विच मिलेगा, और यहाँ से आप इसकी ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। स्टेयरिंग व्हील इस गाड़ी का बिल्कुल सेम है जैसे कि आपको 2.7 पेट्रोल या जो जो सा फॉर्च्यूनर बेसिक आता है उसमें मिलता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड इसका सेम मिलता है ब्लैक और ऑरेंज इंटीरियर के साथ, और यहाँ पर आपको कंट्रोल्स नज़र आना शुरू होते हैं जो कि डाउन हिल असिस्टेंट है यहाँ पे, और ये आपको यहाँ पे फोर व्हील के बटन आ गए, और यहाँ पे पावर सॉकेट आ गया आपके फ़ोन चार्जिंग और उसके लिए। बाकी ये भी गाड़ी आपको 7-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलती है, और यहाँ पर आपको इसका इको मोड नज़र आ जाएगा, और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलेगा, और डिफरेंशियल कंट्रोल का आपके यहाँ पे बटन इसका नजर आ जाएगा। जिनसे एक इसमें मेजर चेंजेस है जो आपको इसको नजर में आएगी वो आपको आएंगी इलेक्ट्रिक सीट, कि आपको इस गाड़ी की दोनों सीट्स इलेक्ट्रिक नजर आती हैं। अगर मैं आप गाड़ी की आपको फ्रंट से लेके जाता हूँ तो डेफिनेटली जो डीजल इंजन की साउंड है वो काफ़ी नेस्टी और एक एग्जॉटिक साउंड होता है मेरे लिए भी, और उन कार्स लवर या उन SUV लवर्स के लिए भी जो कि डीजल गाड़ी को रखना पसंद करते हैं। और एज इट यहाँ इस डोर पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सीट नज़र आएगी जो कि आपको अदर 2700 पेट्रोल या दूसरे फॉर्च्यूनर में नहीं मिलती। उसके बाद एक मेन फीचर जो इस गाड़ी को अदर फॉर्च्यूनर के साथ थोड़ा डिफरेंशिएट करता है वो है इसका ऑटो ट्रंक, कि आप अपने रिमोट की और अंदर बैठे बैठे ही इसकी ट्रंक को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर मैं बात करूँ इनके प्राइसिंग के बारे में, तो 2.7 पेट्रोल इंजन आपको फॉर्च्यूनर में मिलेगा 84 लाख के पास, और TRD स्पोर्टियो के अंदर आपको गाड़ी मिलेगी 94 लाख के पास। ये दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट लीग बिटवीन अ 2.7 पेट्रोल ड्यूल VVT-i टेक्नोलॉजी इंजन एंड 2.8 डीजल इंजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, और अगर आप कोई गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो हमारे शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। एंड स्पेशली थैंक टू ज़हीब इमरान फॉर गिविंग अस योर टाइम।